तो हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम आए हुए हैं मंडोर दुर्ग के अंदर। ये पूरा दुर्ग के खंडर बने हुए, और यहाँ से नीचे से मैं आपको बताता हूँ, वो जो पीछे आप देख रहे हैं ये सब मंडोर दुर्ग के, मैं आगे पूरा मंडोर दुर्ग आपको बताऊंगा। तो इस समय ये 1600 साल पहले प्रतिहार राजवंश यहाँ पर शासन करता था, तो उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और यहाँ से आज से 700-800 साल पहले तक इसी दुर्ग के अंदर मंडोर के जो राजा, जोधपुर के राजा शासन करते थे। उसके बाद जब राव चौदह जी ने जोधपुर में मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था, तो यहाँ से राजा महाराजा फिर वहाँ शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने अपना महल वगैरह वहीं बनवा लिया, वहीं रहने लगे। लेकिन मंडोर में, मेहरानगढ़ में रहने से पहले यहीं पे, जब मारवाड़ ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था, सिर्फ जोधपुर के आसपास का इलाका ही मंडोर के अंतर्गत आता था, तो उस समय यहाँ पर राजा महाराजा यहीं पर शासन करते थे। और यही जोधपुर की पुरानी राजधानी भी इसको कहा जाता है। तो हम आगे आपको पूरा इस दुर्ग का बताएंगे आपको। यहाँ पर मंडोर दुर्ग का ये अधिसूची का लिखा हुआ पूरा सूचना पट, इसके अंदर सब कुछ लिखी हुई है, अलग अलग चीज़ें। ये 1600 साल पुराना दुर्ग है जो आप देख रहे हैं। एक मैं कैमरामैन भाई से कहना चाहूँगा, आप चारों तरफ पहले दुर्ग को दिखाइए कि किस तरीके से ये जो खंडर नुमा दुर्ग बना हुआ है, 1600 साल पहले का ये दुर्ग है। जहाँ पर इसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, उस समय यहाँ के जो राजा थे उन्होंने इस दुर्ग के अंदर खजाना छिपा के रखा हुआ था, और युद्ध पर निकलने से पहले उन्होंने इस दुर्ग के अंदर खजाना छिपाया था। तो ये पूरा खंडर नुमा दुर्ग में आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा दुर्ग कहाँ पर है, और बाकी सारी चीज़ें वो जो पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पर, ये जो पूरा का गुंबद नुमा बना हुआ है वो सारा ये दुर्ग का हिस्सा है। 1600 साल पुरानी, आप ये देखिए कि अभी की हम जो कुछ भी निर्माण कार्य करते हैं उसमें इतनी सारी समस्याएं आती थी, 1600 साल पहले का निर्माण कार्य है। ये जो देख सकते हैं ये छतरियाँ बनी हुई है, सिर्फ ये इतना ही नहीं है, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा नमूना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पूरा आगे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उस समय के जो राजा थे उन्होंने युद्ध पर जाने से पहले अपनी पूरी राजकोष का जो भी सोना चांदी जेवरात सारा था वो इस दुर्ग के अंदर कहीं छिपा के रखा हुआ था। और उसके बाद सदियों तक कई जो यहाँ के नए राजा थे उन्होंने यहाँ दुर्ग के अंदर खोजबीन की, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे एक सर्प है जो सोने चांदी जो राजा का खजाना था उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ 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 पर जो राजा महाराजाओं ने, जो अभी नए बाद में जब राजा महाराजा आए हैं, कई अलग अलग पीढ़ियों ने यहाँ पर शासन किया है, तो उनकी सारी चीज़ें बताएंगे। और ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ खुदाई की जा चुकी है उस खजाने के लिए, लेकिन अभी तक खजाना मिला नहीं है, लेकिन कई पुरातात्विकों ने ऐसा दावा किया है कि यहाँ पर खजाना मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो हम आपको पूरा वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और कुछ लोग दंत कथाओं के माध्यम से ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो एक सर्प के बारे में कहानी बताते हैं कि वो सांप इस खजाने की रक्षा कर रहा है, और जो जिस महाराजा ने यहाँ पर जो खजाना छुपाया था कि उसका कोई वंशज आएगा तभी उसी को ये खजाना प्राप्त होगा। तो ये पुरानी दंत कथाएं हैं। देखिए दंत कथाएं बहुत सारी कहती है, वो सच या झूठ वो हम उसके बारे में अपनी कोई राय नहीं बता सकते, हम तो सिर्फ वही बता सकते हैं जो पुराने टाइम से चली आ रही कहानियों के माध्यम से लोग कह रहे हैं। तो अभी हम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमको जो पूरा खंडर नुमा ये किला है इसके अंदर देखने को मिलती है। पानी आप देख सकते हैं, ये झरना बह रहा है, और पुरानी हिस्टोरिकल जो चीज़ें होती है उसका महत्व हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये हमारे गौरव को दिखाता है, पुराने समय के हमारे जो राजा महाराजा थे उनके जीवन शैली को दिखाता है, उनकी वीरता को दिखाता है। तो ये दुर्ग है आप देख रहे हैं, ये दुर्ग का निचला हिस्सा है जो खंडर के रूप में आज इस तरह से कुछ दिखता है। ये काफ़ी कुछ खंडर बन चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, और साइड के अंदर हम नीचे तलहटी पर आ चुके हैं। तो इसी दुर्ग के बारे में मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो खजाना छिपा हुआ है, अब पता नहीं किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो उस समय के जो राजा थे उनके वंशज अब यहाँ पर कब आएंगे। तो ये एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे मैं जब आया था तो रोचक चीज़ें मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया आप लोगों के लिए। तो बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो।